सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जॉयस बाइक पॉइंट एंड आज का वीडियो भाई काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि देखो अच्छा खासा बाइक्स वगैरह लगा हुआ है कंप्लीट लाइनअप पे। तो बहुत सारे स्टॉक्स का मैंने वीडियो बना लिया था, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं पुराने वाली वीडियो में। अभी जितना आप लोग नया देखोगे तो सबसे पहले ब्रांड न्यू में एक ये डुकाटी की जो समझ जाओ स्ट्रीट फाइटर V4 एंड दिस वन इज द BMW HP। तो आज इन दोनों का रिव्यू देंगे। रिव्यू क्या मतलब, इन दोनों का प्राइसिंग वगैरह A to Z कितना आपको पड़ रहा है, कॉस्टिंग जॉयस बाइक पॉइंट में वो, और बाकी दो मशीन जो पीछे आई है ना वो सबसे ज़्यादा समझ जाओ तगड़ी होती है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, क्योंकि टाइगर एंड BMW मतलब कि दोनों आपस में चलती हैं। ये जो BMW है काफ़ी स्पेशल है, तो इन दोनों का वीडियो जब आएगा तब तो आप लोगों को पता चल जाएगा BMW किनका है एंड टाइगर का क्या हिसाब है। बाकी इस साइड देखोगे तो इस पर बना हुआ है वीडियो, हमारा CBR RRR पे भी बना हुआ वीडियो। 650 एक न्यू है एंड 1000 जो आया है नया, ये ओल्ड मॉडल है थोड़ा सा। तो चलो देरी नहीं करते, पहले आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स देख लो। आज की वीडियो में हम लोग इसे मतलब कि आप लोगों को इसका कंप्लीट डिटेल्स देंगे, क्या प्राइसिंग पड़ रहा है इनका, क्या नहीं पड़ रहा, कब का मॉडल है, एंड उसके बाद फिर हम लोग वो दो पीछे दो मशीन है उस वाले पे बनाएंगे। तो चलो पहले आप लोग इनका सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह A to Z सब कुछ देख लो। Flashing lights dance with fire in the night, I'm wired. Watch the time pass us by, is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause I feel so good. Feeling wild like a zoo, put me in a mood. तो भाई अगर इस बाइक की बात करें तो जैसा इसका फीचर्स तो हम लोगों ने बताए नहीं, मतलब अभी आप लोगों को बताया कितना प्राइसिंग पड़ेगा, क्या पड़ेगा। बाकी बाइक 999 cc की है, इनलाइन 4 एंड 215 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है भाई, 215 घोड़े और 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 4 सिलेंडर तो आपको पता है, इनलाइन 4 तो बताया ही हमने। और बाकी अगर देखोगे भाई फ्रंट में तो ये जो लाइट्स है ना भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये लाइट बेसिकली बहुत ही कोई पसंद है। और आप लोगों को बताना अभी जो नया BMW आ रहा है वो पसंद है कि आपको ये शेप में जो BMW आता था वो पसंद था। खैर एनीवेज ये तो HP4 है। बाकी टायर्स वगैरह का डायमेंशन अगर देखोगे तो भाई साहब 120x70 का टायर है और ब्रेम्बो के कैलिपर्स आपको दिखेंगे। डुअल डिस्क आपको दिया हुआ है फ्रंट में, USD फोक्स और टायर्स देखो भाई। एंड ये वाली रोड लीगल है, अभी जो HP4 आ रहा है वो वाली बस ट्रैक लीगल होती है। और इसमें भाई एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ से मोड वगैरह आपका किल स्विच हो गया। बाकी बात इस साइड से देखो मोड्स वगैरह, ये क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए, ट्रिप वगैरह सेट करने के लिए ABS ऑन ऑफ बटन, उसके बाद हज़ार्ड लाइट ऑन ऑफ बटन। मीटर देखो भाई, मीटर क्या खूबसूरत मीटर आपको नज़र आएगा। और बाकी टैंक वगैरह देखो कंप्लीट ब्लू, यहाँ पे HP का मार्क एंड इनफैक्ट इसके मीटर में भी HP4 लिखा हुआ है। और बाकी साइड से फिन्स वगैरह देखो, ये जो कट्स वगैरह ना काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, स्टिकर वगैरह नीचे BMW और DDC डायनेमिक डैम्पिंग कंट्रोल वगैरह इसमें दिया हुआ है। एंड एग्जॉस्ट एक्रोपोविच का आप देखो, और ये वाला मतलब देखो मेरे ख्याल से ये कैट कैन होगा। और बाकी टेल सेक्शन बहुत ही खूबसूरत रहता है भाई, तो आप टेल सेक्शन देख लो एक बार। और टायर्स तो बहुत ही ज़्यादा ब्राउड, 200x55 का टायर है एंड रियर में अलॉय व्हील आप देख रहे हो। तो ये था भाई इसका ओवरऑल। और भाई बाइक तो लिटरली सबका ड्रीम होता है, तो मेरा भी एक ड्रीम है, लेकिन पता नहीं वो कब पूरा होगा, मेरे को लग रहा है ये सब पूरा नहीं हो पाएगा मेरा। चलो हटाओ, अब इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। सो भाई जैसा है, इसका नाम है स्ट्रीट फाइटर V4, तो V4 इंजन इसमें है एंड कंप्लीट डुकाटी V4 में जो इंजन होता है ना सेम लोग बोलते हैं कि इसमें भी है। बट ये वाला जो मॉडल है ये आपको नेकेड सेगमेंट में एकदम जोकर एडिशन टाइप का लगेगा। जैसा फ्रंट आई वगैरह देखो भाई बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 208 PS का पावर है एंड 123 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको है। डुअल चैनल ABS आपको प्रोवाइडेड है। डुअल डिस्क देखो फ्रंट में, ब्रेम्बो के कैलिपर्स वगैरह, 120x70 का टायर है। भाई इस साइड से देखो यार क्या गजब की मशीन लग रही है, डुकाटी का मार्क यहाँ पे। और उसके बाद ये सब जो फिन्स वगैरह आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही तगड़ा लुक दे रहा है भाई कंप्लीट। और रेयर में जो सिंगल स्विंग आर्म आपको दिया हुआ है, सिंगल सेक्शन स्विंग आर्म, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। 200x60 का टायर है और टेल लाइट इसका डिटो डुकाटी जैसा है। जैसे ये टेल देख रहे हो ना, सबसे सेक्सी टेल डुकाटी बनाता तो वही है। मोनोशॉक सस्पेंशन इस पर। और बाकी टैंक वगैरह यहाँ देखो, उसके बाद मीटर वगैरह तो आप देख ही रहे हो। यहाँ से आपको मोड के बटन सेलेक्ट वगैरह एंड राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स,
कल स्विच हो गया ये, एंड उसके बाद हॉर्न वगैरह, बाकी हीटेड ग्रिप्स वगैरह है, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, इसमें सब दिया हुआ ए टू जेड। ये भाई कहा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। सो गाइस सुरुजोदा आ गए, एंड अभी इन दोनों पे बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी डुकाटी की स्ट्रीट फाइटर? डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 है। V4 ब्रांड न्यू है ना अभी? हाँ ये ब्रांड न्यू बाइक बोल सकते हैं आप। ब्रांड न्यू तो नहीं है, यूज्ड है। यूज्ड मतलब? और मतलब नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू कंडीशन आप बोल सकते हैं। कितनी किलोमीटर्स रन की हुई है ये? 1900 किलोमीटर्स रन की हुई है। एंड ये मेरा सबसे फेवरेट नेकेड बाइक है, और मुझे लगता है बहुत लोगों का ये सबसे फेवरेट नेकेड बाइक है, क्योंकि इसका एक तो जोकर लुक आता है थोड़ा सा, एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लगता है एज कम्पेयर टू अदर नेकेड सेगमेंट बाइक लाइक जी सीरीज हो गई ना। बहुत ही एग्रेसिव लगता है, एंड डुकाटी पैनिगाले V4 वो वाली फेयर्ड है, एंड इससे नेकेड बस इतना ही अंतर है। सेम बाइक है, तो सिर्फ ये नेकेड है, वो फेयर्ड है, बस इतना ही अंतर है। और ये सब फिन्स वगैरह लगे हुए मिलते हैं क्या? ये कंप्लीट स्टॉक, ये सब आपको कंपनी के साथ ही मिलेगा, कंपनी के साथ ही मिलेगा। कंपनी सीरीज नहीं है, और मतलब बाइक 2022 का ही बाइक है। 2022 का बाइक है, फरवरी महीने का बाइक है, फरवरी का, मतलब सिर्फ 99 किलोमीटर चला हुआ है, ऑब्वियसली सिंगल ओनर ही है, और बाकी गाड़ी कंप्लीट स्टॉक है। और इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेगा जो हम लोग के पैनिगाले में जो हाँ पिछले वीडियो में दिखाया था, उसमें उसमें एक चीज नहीं था, वो हीटेड ग्रिप नहीं था, इसमें हीटेड ग्रिप, इसमें हीटेड ग्रिप है, हीटेड ग्रिप भी है, एंड क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर भी होंगे, शिफ्टर ऑटो ब्लिपर, राइडिंग मोड्स, इंजन ब्रेकिंग, किचन, एवरीथिंग है, सब इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ है इस पे। और बाकी गाड़ी आप देख ही पा रहे हैं, गाड़ी सबसे खासियत जो है इसका वारंटी, 2024 तक आपको इसमें कंपनी वारंटी मिलेगा। और बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन डुकाटी का जो वारंटी होता है और एक्सटेंडेड वारंटी होता है, वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। हाँ, तो जो भी कस्टमर लेंगे उनके नाम पे वो मतलब उन्हें फायदा ही होगा लेके। हाँ, ये 24 तक इसका कंपनी वारंटी ऐसे ही है, उसके बाद इसका और 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी किया हुआ, वो मतलब 26 तक ये आपको एकदम टेंशन फ्री रहना होगा कि ये कंपनी वारंटी के अंदर रहेगा। और बाइक में देखो कंप्लीट ब्रांड न्यू, नेक्स्ट टू ब्रांड न्यू, और ब्रांड न्यू हम लोग कोई बाइक में नहीं बोलते, सिर्फ हम लोग रजिस्टर में, बाकी गाड़ी हम लोग के पास आप देखे हैं 100 किलोमीटर चला वो भी बाइक है। डुकाटी जो चली हुई थी वो 200 किलोमीटर थी। हाँ, ये सामने हम लोग के पास जो स्पोर्ट्सर है वो भी 248 किलोमीटर चला हुआ है, लेकिन बहुत लोग, बहुत डीलर्स होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि 2000 चला हुआ, 5000 चला हुआ गाड़ी को ब्रांड न्यू बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, मतलब जो है जेन्युइन वही बताएंगे, डिप्रिशिएट होता है। अभी ये बाइक का हम लोग आस्किंग प्राइस मांग रहे 19 लाख इसका, और इसका जो नया प्राइस है 26। हाँ, तो 7 लाख का आपको फायदा मिल रहा है, बस वही नाम आपको सेकेंड ओनर मिलेगा, वही तो सेकेंड ओनर मिलेगा, आपको नया गाड़ी लेने से आपको फर्स्ट ओनर मिलता है। हाँ, और बाकी बहुत बड़ा फर्क है बाइक में, कुछ मतलब कि कंप्लीट स्टॉक है, कंप्लीट स्टॉक है गाड़ी, और मतलब जो होता है, और वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड है ना ये, वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड बाइक है। और बाकी मतलब इतने सारे फीचर्स है कि सारे पैनिगाले वाले फीचर्स इस पे दिए गए हैं, तो ये तो हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट आते BMW HP4, और ये वाला मेरे ख्याल से कुछ नंबर्स पे सिर्फ है ना? हाँ, एकदम बहुत रेयर बाइक है ये, बहुत लोग इसको स्टैंडर्ड S1000 समझते हैं, लेकिन ये S1000 नहीं है, आप हैंडल मार्ट में देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है HP4 या HP4 है, मीटर में भी मेंशन होता है HP4। तो इस पे और S1000 RR में क्या अंतर है भैया? इसमें ये इसमें जो जो फीचर्स है तब S1000 RR में वो फीचर्स नहीं आता था, लाइक इसका EDC आता था तब, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक फोकस आता था इसमें, फुल्ली अपने एडजस्टेबल होते। हाँ हाँ हाँ, इसमें आपको एक्रोपॉमिक का जो एग्जॉस्ट, ये कंपनी स्टॉक आता है, ये वाला स्टॉक फिटेड एग्जॉस्ट है, ये कंपनी के साथ ही आ रहा था। और इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो भी बहुत अलग है, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड पोस्चर है क्या कि पूरा एग्रेसिव, ये ज्यादा ट्रैक फोकस्ड है, मतलब एग्रेसिव है पूरा। हां, पूरा एग्रेसिव है, इसमें आपको हीटेड डिस्क मिलता है, तो ये मॉडल S1000 में ये सब आता नहीं था। और ये सारे लीवर्स वगैरह आफ्टर मार्केट है, ये लीवर्स आफ्टर मार्केट है, इसमें आपको ये सीट कवर्स है ये आफ्टर मार्केट है, इसमें फ्रेम स्लाइडर लगा हुआ है, और ये बारल्स लगा हुआ है, वाइजर, विंग्स, विंड स्क्रीन, RNG के विंड स्क्रीन है, तो यही छोटा मोटा एक्सेसरीज लगा हुआ है। बाकी गाड़ी में एग्जॉस्ट जो है मेन जो एक्सेसरीज होता है वो तो आपको स्टॉक ही आता है एक्टर पॉकिंग का। और बाकी ये कौन सी ओनर की बाइक है? ये फर्स्ट ओनर है, 2014 का बाइक है ये, 2014 बाकी गाड़ी चला हुआ है 14,000 किलोमीटर, और
इसका जो प्राइस है वो ऑन रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्पेशल बाइक है। अच्छा, ऑन रिक्वेस्ट है, तो नंबर वगैरह A to Z, नंबर वगैरह A to Z दिया हुआ भैया का, एंड आपका वेबसाइट वगैरह भी मिल जाएगा ना? वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, और उधर भी आप हम लोग को व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिएगा, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलो, मतलब ये दो बाइक का हो गया, एंड ये वाली बाइक तो कंप्लीट अभी ब्रांड न्यू है मार्केट में, क्योंकि मतलब ये वाली बाइक बहुत अभी भी नंबर्स पे है ना, ऐसा नहीं कि सभी, मतलब कि रेयरली है। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, बाइक अवेलेबल है मार्केट। अच्छा, अवेलेबल है, मतलब आप ऐसा नहीं है, रेयर बाइक नहीं है, लेकिन बाइक बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, और दोनों बाइक बहुत स्पेशल है। ये तो HP 4 है, ये आपको नंबर्स में मिलेगा, स्पेशल एडिशन आप किसे कह मान ही लो इसे, क्योंकि ये वाली बहुत कम आपको दिखेगी। और ऐसे देखा जाए तो ये इसका तो इंजन डुकाटी खुद बिल्डअप करता है ना, V4 इंजन, एंड दिस वन इज द इनलाइन 4 इंजन, तो ये तो BMW एंड डुकाटी हो गया, और ये वाली अवेलेबल है पॉइंट में, तो आप लोगों को लेना है तो लो। और ये हो गया भाई इन दोनों का, मतलब समझ जाओ इन दोनों का थोड़ा बहुत रिव्यू वगैरह जो मैं आप लोगों को बता दिया, बाकी बेसिकली देखा जाए तो उतना खुल के रिव्यू नहीं बना पाया क्योंकि बाइक अभी बंद है और यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाते हम लोग, थोड़ा सा मतलब कि इशू होता है। खैर एनीवेज, आप लोग बताना आप लोगों इनका प्राइसिंग वगैरह अट्रैक्टेबल लगा कि नहीं, और बाकी जॉयस बाइक पॉइंट सब कोई तो जान रहे, तो चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नए हो एक बार चैनल विजिट करना भाई, हमें 100K रीच करा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और हाँ भाई सब्सक्राइब जरूर करना।